नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मामला अतिथि शिक्षकों को लेकर है। अतिथि शिक्षक एक ओर जहां अपने पद को बचाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एक नया आदेश आपको यहां पर दिखाएंगे। इस आदेश से अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लेकर है। आपको पता ही है कि प्रमोशन, ट्रांसफर या फिर अन्य कारण से नियमित शिक्षक विद्यालयों पर आ गए हैं और उस पद पर अतिथि शिक्षक अगर काम कर रहा है, उसको संबंधित संकुल प्राचार्य या प्राचार्यों के द्वारा विद्यालय में न आने संबंधी मना किया जा रहा है और निकालने या हटाने संबंधी ऐसा मौखिक आदेश दिया जा रहा है। लेकिन DPI की तरफ से आदेश पहले दिया गया था, एक बार फिर से यहाँ पर एक नया अपडेट है। अब कोई भी अतिथि शिक्षक को नहीं कम्प्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगातार एक ओर जहाँ परेशान हैं, वहीं जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं अलग अलग जिले के, उनके द्वारा अतिथि शिक्षकों के लिए राहत दी जा रही है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी की तरफ से अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। पूरा अपडेट बताएंगे। आज का लेटेस्ट आदेश है 12/10/2023 की तारीख पर जारी हुआ है और ऑफिशियल क्रमांक है। आदेश जारी किया गया है प्रति विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए सिवनी और बाला बरघाट और केवलारी और साथ ही समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल और जिला सिवनी के लिए, यानी सिवनी जिला के अंतर्गत जितने भी संकुल प्राचार्य हैं उनके लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। मामला अतिथि शिक्षकों को लेकर है। लगातार अतिथि शिक्षकों की शिकायतें उच्च अधिकारियों के पास जा रही हैं। बेचारे अतिथि शिक्षक एक तो ऐसे ही परेशान रहते हैं, ऊपर से नए परेशानी है, जबकि DPI की तरफ से, लोक शिक्षण की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। यहाँ पर देखिए विषय में दिया हुआ है अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने के संबंध में। अब आपको मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं 4/10/2023 के आदेश का लिया हुआ है। 4/10/2023 का आदेश ये वही आदेश है जिसमें अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से कार्यमुक्त न करने यानी उनको न हटाने संबंधी आदेश जारी किए गए थे। यहाँ पर इनके बताया हुआ है इनमें कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार विद्यालय में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को आगामी आदेश तक कार्यमुक्त न किया जावे, स्पष्ट एक लाइन का आदेश है जिसका अर्थ लोक शिक्षण की तरफ से जारी किया गया है। यानी किसी भी अतिथि शिक्षक को अगर वह पहले से कार्य कर रहा है, भले ही वहां पर नियमित शिक्षक आ चुका है प्रमोशन, ट्रांसफर या अन्य कारण से, तो भी उस अतिथि शिक्षक को वहां पर रहने देना है। दो शिक्षक वहां पर काम करेंगे, एक अतिथि शिक्षक एक नियमित शिक्षक। तो यहां पर देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिशियल सिग्नेचर और साथ ही आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को भेज दिया गया है, कलेक्टर को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, संयुक्त संचालक को। आपको बता दें ज़्यादातर तर्क वितर्क में ये देखने को सामने आ रहा है, जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं हमसे संपर्क करके बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने अपनी परेशानी बताई है कि उनके साथ जो संबंधित विद्यालय के प्रचार हैं या फिर अन्य हैं, वह ये कह रहे हैं कि एक पद स्वीकृत होने के कारण नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक में से अतिथि शिक्षक का वेतन किस आधार पर मिलेगा, यानी उनको वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए दिक्कत होगी। दोस्तों यह सोचना उनका काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लोक शिक्षण से यानी DPI से आदेश दे रहे हैं कि अतिथि शिक्षक को नहीं हटाना है, वेतन भी उन्हीं को देना है, तब यहाँ जो है संबंधित संकुल प्राचार्य या प्राचार्यों को क्या दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर यह समझ में नहीं आता है। जबकि अतिथि शिक्षा के पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान संबंधित विद्यालय का सुचारू रूप से संचालन करने में पूरा सहायता करता है, संचालन करता है, अपना विषय पढ़ाता है, रिजल्ट अच्छा देता है, फिर भी जब समय आता है साथ देने का, तो संबंधित जो यहाँ पर अधिकारी होते हैं, संकुल के प्राचार्य होते हैं, स्कूलों के प्राचार्य होते हैं, अतिथि शिक्षकों का शोषण करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए बिल्कुल फ्री में, और लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।